दोस्तों, डी आर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, वो जारी की गई हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की, और उसमें से ड्राइवर की वैकेंसीज भी शामिल हैं। हालांकि वैकेंसीज कम हैं, लेकिन मेरा काम है आपको हर एक रिक्रूटमेंट के बारे में बताने का, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट वगैरह आती हैं और मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ, तो उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं भाई कि सर ये वैकेंसीज कब आई थी, आपने तो हमें बताया नहीं। तो इस वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप दूसरा कोई काम कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देखिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, ये वेबसाइट का लिंक आपको हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे इस लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में ही आपको, ठीक है, 3/2023 की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं वो दिख जाएंगी। ये आया देखो, रोजगार विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 3/2023 दिनांक 21/9/2023। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड लिंक का ऑप्शन आएगा। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक विज्ञप्ति ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके ओपन किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं नॉन टीचिंग जो स्टाफ की, उसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वाहन चालक /T1 की वैकेंसीज दिखेंगी आपको। दिख रहा है ना ये वाला, जहाँ पे माउस के कर्सर चल रहे हैं। अब देखिए, वैकेंसीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से भर पाएंगे, कब लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भेजनी है या नहीं भेजनी, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, जो वेबसाइट दे रखी है इस पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 3/2023 से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6/9/2023 तक रहेगी, यानी लगभग मान के चलिएगा एक महीना आपके पास रहेगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, उसके बाद जो प्रिंट कॉपी है यानी जो हार्ड कॉपी, वो आपको भेजी जानी आवश्यक है। कहाँ पे? कुल सचिव स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कार्यालय में दिनांक 18/9/2023 तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए। मतलब आपको भेजनी है, सेंड करनी है 18/9/2023 से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज देख लेते हैं, और इसमें अगर मान लो कोई दूसरी वैकेंसीज के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। थोड़ी बहुत ही वैकेंसीज हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5 जो पद हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर पे आप देखेंगे वाहन चालक T1, इसकी सामान्य वर्ग की वैकेंसीज हैं 2, जनरल कैटेगरी की ही वैकेंसीज हैं 2। ये मैं शुरू में भी आपको बता चुका था, वैकेंसीज कम हैं, लेकिन मेरा जो काम है आपको वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्म करवाने का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ना भरने का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भरते हो नहीं भरते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया यानी एज जो क्रिटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या कुछ रहने वाली है, उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी है वो भी मतलब अच्छी खासी है, खतरनाक तरीके से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, यहाँ पे आयु के बारे में बात करते हैं, तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक लाइन और लिख दी यहाँ पे कि भाई एक तो आशुलिपिक और वाहन चालक इन पदों हेतु जो अधिकतम जो आयु है वो राज्य सरकार के नियम अनुसार 40 वर्ष होगी। मिनिमम 18 साल बताई हुई है और मैक्सिमम 40 साल, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, आवेदन शुल्क आपका रहेगा अगर सामान्य वर्ग से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1200 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। खतरनाक फीस है भाई, तो ये ध्यान रखना, 1200 रुपये आपकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की फ़ी है वो लगने वाली है, राइट। उसके बाद यहाँ पे 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर आपको कितनी क्या सैलरी मिलने वाली है वो बताई हुई है। तो वाहन चालक की 13,500 रुपये 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें आपको मिलेगी। तो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो मापदंड या पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के योजना जो भी होगी, सिलेबस वगैरह रहेगा, वो वेबसाइट पे ही डिसाइड किया जाएगा, वेबसाइट पे ही बताया जाएगा, ये इन्होंने बताया है। तो जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे 3 अक्टूबर से, जल्दी इसका सिलेबस आ जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा,
टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी ड्राइवर की भर्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे कि भाई आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है, उस पर मेट्रिकुलेशन पास क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड, पोजिशन ऑफ ए वैलिड एंड अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी, द कैंडिडेट विल हैव टू पास द प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट टू बी टेकन बाई द अप्रोप्रिएट कमेटी ऑफ इंस्टीट्यूशन या हेडक्वार्टर। यहाँ पे बताया हुआ कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। T1 का मतलब यही है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस होगा तो वही वैलिडेशन है वो किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। तो 10th पास आप होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे बताइए 40 साल, ठीक है, 40 साल की उम्र आपकी हो। आई साइट बताई हुई है 6x6 आपकी होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। नॉलेज ऑफ रोड साइड रिपेयर एंड एफिशिएंसी इन ड्राइविंग टू बी असेंशियल थ्रू ए ट्रेड टेस्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे उस टाइम पे आपसे व्हीकल के बारे में जो रोड साइड रिपेयर होता है या फिर मतलब व्हीकल मेंटेनेंस होता है उसके बारे में सारी चीज़ें वो आपसे पूछी जाएंगी, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन की जब तैयारी करेंगे तो सिलेबस में ऑब्वियस सी बात है ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस, मोटर व्हीकल एक्ट, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप ये कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ऑल इन वन पैक है, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है, वीडियो क्लासेस और ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है उनके माध्यम से मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये डिज़ायरेबल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट फील्ड, अगर मान लो ड्राइवर के साथ में आपके कोई IT वगैरह कर रखी है, मैकेनिकल फील्ड से कर रखा है, तो ऐसी अगर आपके पास 1 साल का कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है आप अपने ट्रेड टेस्ट के टाइम पे दिखा सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन ए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन और एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिक वर्क। देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या कहीं का अनुभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो ट्रेड टेस्ट के टाइम पे काम आएगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये सारी डिज़ायरेबल में है, आपके पास कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है मोटर मैकेनिक का वगैरह का या फिर आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप साथ में लेकर के जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल यानी ड्राइविंग टेस्ट। और इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह लगा देना अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बताई हुई थी इस नोटिफिकेशन में। 3 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन है वो आप इस वेबसाइट पे जा करके कर सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 चल रहा है, 2/2023, इसके नीचे ही 3/2023 जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा, यानी कब से, 3 अक्टूबर से। तो फिर आप यहां से रजिस्टर है वो कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहले से कोई फॉर्म भरा हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके काम कर सकते हैं, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी पासवर्ड भरना है आपको। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और नीचे आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे नया फीचर आ गया है व्हाट्सअप चैनल का, तो हमने भी क्रिएट किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ड्राइवर भर्तियों से जुड़े रहने के लिए। जो भी ऑल ओवर इंडिया ड्राइवर की भर्तियाँ रहेंगी उनकी प्रॉपर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल हो चाहे व्हाट्सअप चैनल हो उनके माध्यम से आपको दे दी जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।